एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज थम जाएगा तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। शाम के 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। तो ऐसे में देखिए, तीसरे चरण के लिए तमाम दलों को अपनी ताकत झोंकते हुए देखा, और इस बीच तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होने जा रहा है। आज जो चुनावी शोर है तीसरे चरण के लिए वो थम जाएगा। तीसरे चरण के लिए चुनावी जो शोर है वो थमने वाला है, और इस शोर में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम दलों ने अपनी अपनी ओर से पूरी कोशिशें की, जद्दोजहद में हर कोई लगा रहा। और आज एक तरफ जहां तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो वहीं उम्मीदवार घर घर जाकर दस्तक देंगे। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़े, जिसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, गुजरात की 25, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की 4 और दमन दीव की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। बंगाल में भी वोटिंग होगी, दमन दीव में वोटिंग होगी, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, इन राज्यों में 12 राज्यों में वोटिंग होगी। और शाम के 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशी घर घर जाकर ही वोट मांग पाएंगे, वोटों की अपील कर पाएंगे। इस चरण में 12 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, गुजरात की 25, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और बंगाल की 4, दमनदीप की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। सैफई के यादव परिवार के 3 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में। सैफई के यादव परिवार के 3 बड़े चेहरे जिनका चुनावी भाग्य का फैसला इसी चरण में होगा, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव जो है उनके पुत्र आदित्य यादव, और फिरोजाबाद से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव इसमें शामिल हैं। तो आज देश भर में आयोजित होगी नीट यूजी 2024 परीक्षा। ऑफलाइन मोड में इस परीक्षा को आयोजित किया जाना है। एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से परीक्षा की जाएगी, जो कि शाम 5:20 तक चलेगी। तो ये बड़ी जानकारी है। तमाम जो बोर्ड परीक्षाएं वो खत्म हो गई, और उसके बाद अब एंट्रेंस एग्जाम जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जेई जो कि खत्म हो चुका है एग्जाम, और उसके बाद अब नीट यूजी जिसकी परीक्षा आज होने वाली है। आपको बता दें, 12वीं के बाद होने वाले इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए करीब 24 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने नीट यूजी परीक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नीट परीक्षा सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं की लिस्ट में शुमार है। नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड जो कि आ चुका है, और आज बिना इसके एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर जिसका भी एग्जाम है वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाएं, और कुछ जरूरी दिशा निर्देश जिनको पालन करना बहुत जरूरी है उसकी एक लिस्ट बाकायदा जारी की गई है। इसमें है जो एंट्री टाइम है उसके अनुसार केंद्र पर पहुंचना बेहद जरूरी है। अगर गेट बंद हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। नीट परीक्षा खत्म होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। पेपर खत्म जब होगा एग्जामिनर इसकी जानकारी देगा, उसके बाद सभी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल पाएंगे। तो एक पूरी गाइडलाइन भी इस परीक्षा को लेकर जारी की गई है, इसलिए जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना सबसे ज्यादा जरूरी, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होगी। तो नीट की परीक्षा आज, और फुल शर्ट, जूते, डिजिटल घड़ी पहनकर केंद्र पर ना जाएं। हाई हील सैंडल पहनकर जाने पर रोक है। परीक्षा से पहले 1 घंटे ब्रेक मिलेगा और आखिरी के आधे घंटे में ब्रेक नहीं मिलेगा। तो देखिए, नीट की परीक्षा आज है और क्या कुछ नियम बनाए गए वो आपको नियम भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि फुल शर्ट, जूते, डिजिटल घड़ी पहनने पर रोक लगाई गई है। हाई हील सैंडल पहनकर जाने पर भी रोक लगाई गई है। तो नीट की परीक्षा आज है और कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा, और क्या चीज़ें वो हम आपको बता ही रहे हैं। 3 सेंटरों में 3,500 विद्यार्थी आज परीक्षा देने वाले हैं, और इसे लेकर अखबारों में भी जिक्र है। आपको ये भी बताते चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से मेडिकल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा आज ली जा रही है, और परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:20 तक होगी, मगर विद्यार्थियों को सुबह 11 बजे अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करनी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान विद्यार्थी पूरी बाजू की शर्ट यानी कि फुल शर्ट ना पहने, और अधिक जेबू वाले कपड़े, जियोमेट्रिक पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच और कैलकुलेटर पेन, स्केल, राइटिंग पेन, तमाम ये चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध रहेगा। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अब तंज सामने आया। निर्मला सीतारमण ने साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू हुआ तो 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा भारत।
मैनिफेस्टो को बताया मुस्लिम लीग के दस्तावेज जैसा और साथ साथ में देशहित में नहीं है कांग्रेस का घोषणा पत्र। ये बात निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और साथ साथ में बीजेपी का हिस्सा, उनके द्वारा निशाना साधते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर सवाल उठाए गए और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में जो भारत है वो शामिल हो जाएगा, ये बात कही गई। आगे बढ़ रहे हैं, मायावती के खिलाफ स्टेटमेंट देकर घिरे हैं जीतू पटवारी। एमपी के भिंड में एक और एफआईआर दर्ज हुई है, बीएसपी नेता अशोक गुप्ता ने शिकायत की थी। देखिए, जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मायावती के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट में भी घिर गए हैं जीतू पटवारी और एसपी के भिंड में एक और एफआईआर दर्ज हुई है, बीएसपी नेता अशोक गुप्ता ने शिकायत की थी। तो जीतू पटवारी को इससे पहले भी इस शिकायत का सामना करना पड़ा था इमरती देवी को लेकर, जिसका जिक्र भी आप मुझे बता रहे थे कि उन्होंने क्या कहा, और इसके अलावा मायावती के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया उसको लेकर भी घिर गए हैं जीतू पटवारी। और अब आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। सवाई माधोपुर में हुआ है बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। सीकर से रणथंबोर ये पूरा परिवार जा रहा था और तभी रफ्तार की कहर ने पूरे परिवार की जान ले ली है। 2 बच्चे जो कि गंभीर रूप से फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। सीकर से रणथंबोर ये पूरा परिवार जा रहा था, इसी बीच उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, अज्ञात वाहन ने कार सवार को टक्कर मार दी और इस कार सवार 6 लोगों के, एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं, मौत हो गई है। 2 बच्चे घायल हैं जिनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, हालांकि उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, रणथंबोर ये पूरा परिवार जा रहा था और इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दिया और इसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। सीकर से रणथंबोर की तरफ ये पूरा परिवार जा रहा था, 2 बच्चे भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है, उस अज्ञात वाहन की यहां पर भी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बढ़ते खबरों में आगे, बड़ी खबर आपको बताते चले, पंजाब में दल बदल बन रहा बड़ा चुनावी मुद्दा। वफादारी बदलने वालों की पहली बार भरमार मतदाता भी सजग और दल बदलुओं पर कम हो रहा भरोसा, एक दूसरे को घेर रहे हैं पार्टियां। तो देखिए, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही किस तरह से एक तो चुनाव का माहौल है और इस बीच लगातार दल बदल का दौर भी जारी है। खबर पंजाब से, जहां पंजाब में दल बदल बन रहा बड़ा चुनावी मुद्दा और इसे लेकर मतदाता भी सजग है, दल बदलों पर कम हो रहा है जनता का भी भरोसा। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, 4 साल में चीन ने एलएसी पर सैनिक बढ़ाए हैं। एस जयशंकर का यह बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भारत पर दबाव बनाया गया है। मैंने उनके विदेश मंत्री से कहा कि लड़ाई बिजनेस साथ में नहीं हो सकते हैं। और देखिए, इससे पहले भी भारत ये बात स्पष्ट कर चुका है, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि बिजनेस और साथ साथ में जो युद्ध है वो साथ में नहीं हो सकता है। और चाइना जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, उसको लेकर भी कई बार वो चाइना को आड़े हाथों ले चुके हैं। लड़ाई और बिजनेस साथ में नहीं होगा, ये बात एक बार फिर से एस जयशंकर के द्वारा दोहराई गई। और चीन ने जो सेना में इजाफा किया है बॉर्डर पर भारत के साथ जो लाइन लगती है एलएसी पर, उसका जिक्र भी यहां पर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं कि एस जयशंकर जहां पर भी जिस भी देश की ओर से कोई इस तरह की हरकत की जाती है तो तुरंत उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। भारत के विदेश मंत्री हैं और जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए बात होगी एयर इंडिया की। एयर इंडिया ने अपनी बैगेज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। फ्लाइट में अब 15 केजी तक का सामान जो है वो आप फ्री में ले जा पाएंगे। पहले 20 किलो लिमिट थी लेकिन अब ये इसको 15 कर दिया गया है, यानी आप जब अंदर जा रहे हैं 15 केजी तक का सामान आपसे फ्री में ले जा पाएंगे। एयर इंडिया ने बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया, महज 15 किलो तक ही आप सामान ले पाएंगे। एयर इंडिया की किफ़ायती उड़ान में अब केवल 15 किलोग्राम सामान मुफ्त ले जा पाएंगे। घाटे में चल रही एयर इंडिया ने घरेलू यात्रा के लिए अपनी सामान नीति या फिर बैगेज पॉलिसी जिसको हम कहते हैं उसमें बदलाव किया है। एयरलाइन कंपनी ने किफ़ायती किराया श्रेणी या इकोनॉमी क्लास के लिए फेयर फैमिली मॉडल के तहत फ्री कैबिन बैगेज अलाउंस घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है। तो ये वो लोगों के लिए खासतौर पर खबर है जो देखिए लगातार ट्रैवल करते हैं बाय एयर, और एयर इंडिया अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में है या फिर आप ज़्यादातर एयर इंडिया से ही ट्रैवल करते हैं तो जो कंपनी है उसने अपनी लगेज पॉलिसी को थोड़ा सा बदला है। फेयर फैमिली मॉडल देखिए, जिसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो फेयर फैमिली मॉडल को यात्रियों को उस तरह का किराया और सेवाएं चुनने की सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो कुल मिलाकर जो लगेज था जो पहले 20 किलो की लिमिट थी उसको 15 किलो कर दिया गया है। एयरलाइन कंपनी ने किफ़ायती किराया श्रेणी या इकोनॉमी क्लास के लिए फेयर फैमिली मॉडल के तहत फ्री कैबिन बैगेज अलाउंस घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया। पहले कम्फर्ट क्लास में 20 किलो, कम्फर्ट प्लस में 25 किलो सामान ले जाने की अनुमति थी।
और अब आगे बढ़ेंगे। हरियाणा से खबर है, नूह गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा। सीबीआई कोर्ट ने 7 साल के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में 10 आरोपी न्यायिक, आपको बता दें कि हिरासत में 12 लोगों को मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने 2016 में जांच शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2016 में मामला सीबीआई को सौंप दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी और पॉक्सो धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया था। तभी से इस पूरे मामले में जांच जारी थी। 30 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो इसमें यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी इसमें पाया था। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरी घटना में आरोपियों ने एक नाबालिग समेत 2 महिलाओं से उनके घर पर यहाँ पर सामूहिक गैंगरेप की जो खबर है वो सामने आई थी और उनके पास से गहने नकदी लूट लिए थे। हमले के कारण एक पीड़ित की उसकी पत्नी सहित मौत हो गई थी, साथ ही कई इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। हरियाणा पुलिस ने अलग अलग आरोपियों के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें अब बड़ा फैसला सामने आया है और नू गैंगरेप के और दोहरे हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई। बढ़ते खबरों में आके बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और चंडीगढ़ मोहाली मार्ग पर डटे हैं प्रदर्शनकारी और कोर्ट ने प्रशासन से इसे लेकर जवाब मांगा। सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन से निवासियों को हो रही दिक्कत, यानी कि आम जनता प्रदर्शनकारियों से काफी ज्यादा परेशान। देखिए तस्वीर आपने देखी जो कि वाकई भयावह है, बहुत ज्यादा आग की तस्वीरें इस वक्त हैं और जाहिर तौर पर वहां पर प्रयास भी किए गए आपको बुझाने के। इस बीच आगे बढ़ते मेघालय की बात होगी जहां युवती के साथ रेप का प्रयास हुआ, 2 आरोपियों की पीट पीट कर हत्या भी कर दी गई, जांच में पुलिस जुटी हुई है। देखिए अकेली लड़की थी घर में, तभी पहुंच गए 2 पुरुष और फिर चीखने लगी युवती। मेघालय के पूरी पश्चिमी खासी हिल्स जिले में 18 साल की एक किशोरी से कथित तौर पर बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी अभी तक दी है। सरकार प्रशासन की ओर से महिला सम्मान और स्त्री सुरक्षा को लेकर अनेक तरह के कदम उठाए गए, समय समय पर इसको लेकर विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनमें हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन ये रुकते हुए नजर नहीं आते हैं। इस बीच एक मामला मेघालय से सामने आया जहाँ पर 18 साल की एक युवती अपने घर में थी और तभी 2 पुरुष उसके घर में घुसते हैं। युवती का आरोप है कि 2 आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला किया और गलत काम करने की कोशिश की। युवती आरोपी के इरादे को भांपते हुए चीखने चिल्लाने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद भीड़ ने रूह कपाने वाली घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मेघालय के पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले में 18 साल की किशोरी से कथित तौर पर बलात्कार के प्रयास के आरोप में 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रेप के आरोप से मुकरी युवती जितने दिन जेल में रहा आरोपी उतनी सजा काटेगी। कोर्ट ने सुनाई 1653 दिन जेल की सजा, साथ ही साथ 5,88,822 रुपये का भी जुर्माना इस दौरान लगाया गया है। बरेली जिला अदालत का ये बड़ा फैसला। इसी बीच खबरों में बढ़ते आके खत्म होने वाला इंतजार, अगले महीने खुल जाएगा बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे। अगले महीने खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और पहले चरण का काम 90 से 95% पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए लंबे समय से जो इंतजार, अब वो खत्म होने वाला है, यानी कि लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। अगले महीने खुलेगा बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे, अगले महीने खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और इसे लेकर पूरी तैयारी भी है। पहले चरण का काम 90 से 95% पूरा और एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मौसम की। अभी और सताएगी गर्मी और लू, गर्मी से नहीं मिल रही है कोई भी राहत। पहाड़ों पर भी 40 डिग्री के करीब अब पारा पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में आग बरस रही है और अब देखिए बड़ी बात है कि पहाड़ों पर भी 40 डिग्री तक कई जगहों पर जो टेम्परेचर है पहुंचता हुआ नजर आया। वही दैनिक भास्कर मेरे पास यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि हीटवेव की चपेट में भारत है, चेन्नई में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान समेत पूर्वी दक्षिणी भारत में कुछ दिन 45 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रह सकता है। इस बीच हीटवेव के असर की वजह से क्या कुछ हो रहा है ये भी यहां पर बताया गया है और 2 दिन लगातार हीटवेव बनी रहे तो जान का जोखिम 14.7% तक ज्यादा हो सकता है। इस बीच हीट स्ट्रेस चेतावनी ना हो तो भी खतरा ज्यादा है, अखबार में बताया गया है। हीटवेव और हीट स्ट्रेस के असर पर पहली बार विस्तृत अध्ययन यहां पर दैनिक भास्कर में बकायदा बताया गया है। अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री तक पहुंचने पर हीटवेव की चेतावनी दी जाती है और फिलहाल यह चेतावनी दे दी गई है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं बातों की गाजा की, जहां पर युद्ध विराम पर इजराइल का रुख सकारात्मक है। हमास शुरू कर सकता है महिला बंधकों की रिहाई, गाजा में स्थायी युद्ध विराम की राह बनी है। हमास ने 128 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है।
तो देखिए पहले से ही यहाँ पर एक ही टर्म कंडीशन थी कि जो बंधक बनाए गए हैं इसराइल के लोग उनको छोड़ दिया जाए, छोड़ा जाएगा तो जो मामला है जो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार हमले जारी हैं वो थम सकते हैं, वरना इसराइल ने क्लियर किया था कि जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। वहीं भारत में अफगान राजनयिक का इस्तीफा, सोने की तस्करी का लगा है आरोप, दुबई से लाते समय मुंबई में पकड़ाया, सोने की तस्करी करती थी ये बड़ी जानकारी मिली है। भारत में अफगान राजनयिक ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया क्योंकि बड़ा आरोप उन पर लगा था, सोने की तस्करी का आरोप था। सोने की तस्करी के आरोप के बाद अफगान राजनयिक का इस्तीफा। इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे, लोगों ने बढ़ाया हौसला और बिना हाथों वाले थानेसेन को मिला ड्राइविंग लाइसेंस, एक पैर से स्टीयरिंग चलाता है थानेसेन। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, देखिए किस तरह से हौसला अफजाई, लोगों ने हौसला अफजाई किया और अगला लक्ष्य बाइक चलाना थानेसेन का है और दूसरे पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल, अगला लक्ष्य बाइक चलाना है थानेसेन का। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, लोगों ने बढ़ाया हौसला और देखिए किस तरह से एक पैर से ड्राइविंग करते हुए अब लाइसेंस इन्होंने हासिल कर लिया साक्षी। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीर प्रमाण पेश करती है कि कितना परिश्रम होता है किसी के जीवन में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके हाथ ज़रूर लगती है। और अभ्यास इस व्यक्ति के द्वारा किया गया और एक हादसे के दौरान इनके द्वारा अपने दोनों हाथ खो दिए गए थे, जिसके बाद ये पीछे नहीं हटे और मेहनत लगातार ये करते रहे। गाड़ी सीखने की इच्छा थी इनकी और इस बीच एक पैर से ये स्टीयरिंग चलाते हैं, वहीं दूसरे पैर की सहायता से यहाँ पर एक्सेलरेट और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। 22 अप्रैल को इनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया गया है। एक पैर से स्टीयरिंग चलाता हूँ यहाँ पर थानेसेन के द्वारा बताया गया, इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया, दूसरे पैर से एक्सेलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ। इनकी लगन और मेहनत देखकर और उनकी स्किल्स को देखकर, इनके परिश्रम को देखकर यहाँ पर DL इनको इशू कर दिया गया और अब ये गाड़ी चलाते हैं इसी तरीके से, और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए जब वो 10 साल की उम्र के थे, यानी कि 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथ दोनों खो दिया, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और बिना हाथों वाले थानेसेन को फिलहाल अब ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लावारिस बैग से हड़कंप मच गया। कल शाम को एक लावारिस बैग मिलता है, काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा और देखिए वो तस्वीरें भी सामने आई कनॉट प्लेस की। खोलने पर यहां पर सिर्फ इस बैग में से कपड़े मिले, जांच में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब इस बैग को देखा गया तो इसको एक संदिग्ध वस्तु की तरह ट्वीट किया गया। तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर बम स्क्वाड पहुंचता है, बम डिफ्यूजल स्क्वाड की टीम पहुंचती है, बम निरोधक दस्ते के सदस्यों को आप देख सकते हैं आसपास में, यहां पर स्निफर डॉग्स की टीम पहुंचती है और तमाम टीमों को और पुलिस अधिकारी को बुलाया जाता है क्योंकि एक संदिग्ध बैग यहां पर पाया जाता है। कनॉट प्लेस एक ऐसा एरिया जहां पर लोग अमूमन शाम को पहुंचते हैं और हर रोज ही अगर देखा जाए, खासतौर पर वीकेंड्स पे, कल सैटरडे था, लोग पहुंचते हैं छुट्टी के दिन बिताने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। ऐसे में इस तरीके की संदिग्ध वस्तु जब मिलती है तो कई सारे सवाल खड़े करती है। फिलहाल जब बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड वहां पर पहुंचा, जांच पड़ताल की गई, बैग को खोला गया तो उसमें से कपड़े मिले। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर 12.74 किलो सोना जब्त हुआ। मुंबई सीमा शुल्क के अधिकारियों ने कार्रवाई की है और लगभग 13 किलो सोने सहित 8.37 करोड़ का सामान भी जब्त हुआ है। मामले में 5 यात्रियों की गिरफ्तारी भी हुई है जो जानकारी अभी तक मिल रही है। देखिए अवैध तरीके सोने की तस्करी आमतौर पर की जाती है और इस बीच दूसरे देशों से सोना इस तरीके से लाया जाता है। यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 12.5 किलो से ज़्यादा सोना जब्त हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे, नोएडा से खबर है जहां पर सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान हुआ है हादसा। सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गई है। नोएडा कोतवाली सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 26 स्थित एक घर में सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान आज शुक्रवार की देर रात दम घुटने से दो लोगों की मौत की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है। हालांकि ऐसे सेप्टिक टैंक की सफाई पर कई तरह की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और एक बार फिर सेक्टर 26 में नोएडा में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें दो लोगों की जान चली गई, दो लोगों की मौत इसमें हो गई। सफाई के दौरान मौत की खबर है इसमें, तो ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सफाई कर रहे थे दरअसल दो लोग और दम घुटने से उन दोनों लोगों की मौत हो गई। सेक्टर 26 की ये घटना है।
और अब बात करते हैं फैक्ट फाइल की। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती और इनका वास्तविक नाम जनरल सिंह था। 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 1979 में केंद्र में गृहमंत्री बने, 1982 और 1987 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे। देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह की जयंती आज है और ऐसे में ये पूरी जानकारी।